तो ओके, इसका पार्ट वन पर मैंने आपको 2GB, 3GB एंड 4GB रैम फोन के लिए फ्री फायर का बेस्ट सेटिंग बताया था। और इस वीडियो पर बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किया था कि 6GB, 8GB एंड 12GB रैम फोन का सेटिंग के ऊपर वीडियो लाओ, तो फाइनली आज लेकर आ गए। तो देखो, इस वीडियो पर मैं जितना भी सेटिंग बताऊंगा ये सब सेटिंग 100% वर्किंग है। और कमेंट बॉक्स में नॉट वर्किंग लिखने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप लोगों से तो प्रैक्टिस नहीं होता। वीडियो देखते हो, सेटिंग कॉपी करते हो, एक दो बार ट्राई करते हो, अगर हेडशॉट लगता है तो ओके, और अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में नॉट वर्किंग लिख देते हो। तो पहले थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही कमेंट करना। तो अभी मैं आप लोगों को सेटिंग दिखा देता हूँ। तो पहले बात करते हैं डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। तो देखो, 6GB, 8GB और 12GB रैम फोन हाई एंड डिवाइस में आता है, तो इसलिए आप लोग अल्ट्रा या मैक्स किसी भी ग्राफिक्स में खेल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाई रेज एंड हाई FPS को हाई पर रख देना और बाकी सब यहाँ से कॉपी कर लेना। तो अभी बात करते हैं कंट्रोल सेटिंग के बारे में। तो देखो, आपको कंट्रोल सेटिंग पर ज्यादा कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर जैसा है ठीक ऐसे ही रख देना। ज्यादा छेड़खानी करोगे तो आपका गेम प्ले खराब हो सकता है। तो अभी बात करते हैं फायर बटन के बारे में। तो देखो, मैं फायर बटन का पोजीशन के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर कोई फायर बटन को अलग अलग पोजीशन पर रखता है। हो सके तो यहाँ पर रख देना, यहाँ पर रखने से हेडशॉट थोड़ा ज्यादा लगता है और ड्रैग भी आसानी से होता है। हाँ, और एक बात, जितने भी भाई लोग यह वाला वीडियो को देख रहे हो, आप लोग आपका कस्टम HUD का एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, मुझे कुछ चेक करना है। और इंस्टाग्राम ID का लिंक में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी बात करते हैं फायर बटन साइज के बारे में। तो देखो, पहला बात तो फोन का रैम के साथ फायर बटन का कोई कनेक्शन नहीं है। फायर बटन को आप लोग आपके हिसाब से रख सकते हो, फायर बटन का साइज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। आपके हिसाब से एक फायर बटन साइज सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपको फायर बटन साइज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको फायर बटन का साइज बताता हूँ। फायर बटन को 45 से 52 के अंदर रख देना। आप किसी भी साइज को सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक 46, 47। तो अभी मैं आप लोगों को सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ। तो देखो, मैं तीनों फोन का सेंसिटिविटी एक साथ बताऊंगा, इसलिए मेरा बात ध्यान से सुनना। तो देखो, अगर आपका फोन का रैम 6GB है तो आप लोग जनरल सेंसिटिविटी को 96 पर रख देना। और अगर आपका फोन का रैम 8GB है तो आप लोग जनरल सेंसिटिविटी को 92 पर रख देना। और 12GB रैम फोन में 89 रख सकते हो। और रेड डॉट को आपको 6GB और 8GB दोनों फोन में 92 पर रख देना है, और 12GB रैम फोन में 90 पर रख सकते हो। और 2X स्कोप को 6GB, 8GB रैम फोन में 90 पर रख देना है, और 12GB रैम फोन में 85 पर रख देना है। और 4X स्कोप को 6GB रैम फोन में 90 पर रखना है, और 8GB रैम फोन में 85 पर रख देना है, और 12GB रैम फोन में 82 पर रख देना है। और स्नाइपर स्कोप को आप लोग 6GB रैम फोन में 80 पर रख सकते हो, और 8GB रैम फोन में 75 पर रख सकते हो, और 12GB रैम फोन में 62 पर रख सकते हो। और फ्री लुक को आप लोग 6GB रैम फोन में 95 पर रख सकते हो, और 8GB रैम फोन में 90 पर रख सकते हो, और 12GB रैम फोन में 75 पर रख सकते हो। तो ओके, आप लोगों को सेटिंग मिल गया है। रुको रुको, अभी भी सेटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने तो आप लोगों को कस्टम HUD ही नहीं दिखाया है। तो अगर आपको बेस्ट कस्टम HUD चाहिए तो आप लोग यह वाला वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो पर मैंने बेस्ट 2 फिंगर एंड 3 फिंगर कस्टम HUD दिखाया है। तो क्लिक करो कस्टम HUD, देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।